1838 में आज ही के दिन सैमुअल मोरसे पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक को लेकर आए थे, जो भविष्य में दूर संचार का आधार साबित हुआ। इस यंत्र में पहली बार विद्युत आवेशों का इस्तेमाल कोडेड संदेशों को एक तार के रास्ते भेजने में किया गया था। माना जाता है कि यहीं से दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति की नींव पड़ी। बताया जाता है कि जब वह समुद्र के रास्ते यूरोप से अमेरिका जा रहे थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम के एक आविष्कार के बारे में सुना। यहीं से उन्हें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाने का विचार आया, जिसमें उनके दो पार्टनर लियोनार्ड गेल और अल्फ्रेड वाइल ने भी मदद की। इसमें मोरसे कोड यानी डॉट्स और डैशेज अक्षर और अंक को दर्शाते थे। 1843 में मोरसे ने बड़ी मुश्किलों के बाद अमेरिकी कांग्रेस को इस आविष्कार में पैसे लगाने के लिए राजी किया। इस तरह अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर के बीच टेलीग्राफ लाइन बिछवाई गई। इसके बाद मई 1844 में मोरसे ने पहला आधिकारिक टेलीग्राम भेजा, जिसमें संदेश था, व्हाट हैथ गॉड रॉट। 1885 में आज ही के दिन आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद का निधन हुआ था। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। ब्रिटिश शासन में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे। हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम हो रहा था। ऐसे वातावरण में हरिश्चंद ने अपनी लेखनी के जरिए विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। हालांकि भारतेंदु कई भाषाओं में रचनाएं करते थे, लेकिन ब्रजभाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, साहित्य हरिश्चंद, सत्य हरिश्चंद आदि इनके द्वारा रचित नाटक हैं। 1959 में आज ही के दिन भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता हरफन मौला खिलाड़ी कपिल देव का जन्म हुआ था। कपिल देव ने 1975 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाजी और बल्लेबाजी से विश्व के सफलतम हरफन मौला थे। कपिल देव इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बाथम के बाद विश्व के ऐसे दूसरे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर और 3000 से ज्यादा रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है। कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया था। विश्व कप में कपिल देव की 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और 1966 में आज ही के दिन प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान का जन्म मद्रास में हुआ था। रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। सुरों के बादशाह रहमान ने हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। रहमान ने अपने शुरुआती करियर में कुछ टीवी विज्ञापन और धारावाहिकों में अपने संगीत को जिंगल्स के रूप में पेश किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी 1992 में आई फिल्म रोजा से मिली। रोजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में रोजा, बॉम्बे, दिल से, लगान, ताल शामिल हैं। हाल की कुछ फिल्मों में जोधा अकबर, रंग दे बसंती, दिल्ली सिक्स और स्लम डॉग मिलेनियर काफी लोकप्रिय हैं। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला। A.R. रहमान को टाइम्स पत्रिका ने मोजार्ट ऑफ मद्रास के खिताब से नवाजा। रहमान को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।